किस्मत बदल दी वेखी मैं जग बदलदा वेख्या मैं बदलते वेखे अपने मैं रब बदलदा वेख्या किस्मत बदल दी वेखी मैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश के सबसे फेमस मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में जिन्हें आज हर कोई जानता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले संदीप महेश्वरी जी से, जिनके अब तक YouTube पर 2.59 करोड़ सब्सक्राइबर हैं और ये अब तक 540 प्लस वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और संदीप जी ने 13 फरवरी 2012 को YouTube चैनल ज्वाइन किया था। वैसे तो आपने संदीप सर के बारे में काफ़ी बार सुना होगा और उनसे टाइम टाइम पर मोटिवेशनल ली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? तो चलिए आज जानते हैं उनकी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के बारे में उन्हीं के मुँह से, और इस वीडियो को एंड तक देखिए, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आपको बताता हूँ कि इस सेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, कि मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से मिली ये सेशन करने की। आज से 3 महीने पहले मेरे नाम से एक कुरियर आया ऑफिस में और उस एनवलप पे लिखा हुआ था द फर्स्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार ऑफ संदीप महेश्वरी। तो जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा किसी ने मजाक किया है, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से याद था कि जो मेरा फर्स्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार हुआ था वहाँ पे सिर्फ 20-25 लोग बैठे हुए थे एक छोटे से कमरे में और किसी के हाथ में कोई कैमरा नहीं था। तो मेरे को लगा कि ऐसे ही किसी ने वो किया, लेकिन फिर पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने उस वीडियो को प्ले कर दिया और जैसे ही मैंने वो वीडियो देखनी शुरू करी तो मेरे तोते उड़ गए। मैंने कहा यार, मतलब था मैं ही स्क्रीन के ऊपर लेकिन लग मुझे ऐसा रहा था जैसे मैं किसी और को देख रहा हूँ। और देखता रहा, जैसे ही वो वीडियो खत्म हुई उसी टाइम मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए अपनी लाइफ के इतने बड़े फेलियर को मैं अपने तक नहीं रखने वाला, इसको शेयर करूंगा पूरी दुनिया के साथ। और आप में से कुछ लोगों को याद भी होगा, मैं अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब मैं पुणे के एक एमबीए कॉलेज में गया था और वहां जाकर के ब्लैंक हो गया था, याद है? कितने लोगों को याद है? याद है। तो तब मैंने आपको बताया तो था लेकिन दिखाया नहीं था, क्योंकि मेरे पास में कुछ था ही नहीं आपको दिखाने के लिए, कोई वीडियो नहीं थी। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एग्जैक्टली तब क्या हुआ था। Just a few confessions before I start off this session. The first one is, please don't look at me like this with all these frowning faces, because that makes me nervous. And to be honest with you, this is the first time that I am speaking in front of so many people. And second thing is, I'll be not talking about the theory part of it. I'll actually focus more on the practical side of how I did whatever I did. Okay, the second confession, which I forgot. That is, to be honest with you, I can speak in English, but the problem is, you may understand what I am talking about, but I won't be able to understand what I am talking. So it's better if I talk in Hindi. So. And then, coming on to the point directly, the secret of what I feel is of my success. I started my career, I think, at the age of 13, and okay, so I'll come on Hindi. So I'm sorry. So yeah, I'll do it. the images were there. Start कर सकता हूँ तो ये भी कर सकता हूँ, so I think it's not that big a deal. आपने देखा मेरी क्या हालत हुई थी? आई थिंक सबका यही हाल होता है जब वहाँ पे स्टेज पे जाते हैं, इतने सारे लोग सामने बैठे होते हैं, सबका यही होता है। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे सबसे फेमस मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में, जिनके YouTube पर 2.01 करोड़ सब्सक्राइबर हैं और ये अब तक 756 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इन्होंने YouTube पर
6 दिसंबर 2013 को ज्वाइन किया था और ये एक वीडियो में बता चुके हैं कि इनकी कामयाबी का राज क्या है। तो चलिए सुनते हैं इनके साथ। Hey, welcome back. I'm Vivek Bindra. I'm an international motivation speaker, leadership consultant and CEO coach. आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर बिंद्रा अपनी सफलता का राज बताएं कि आप कैसे सफल हुए, थोड़ा अपने जीवन के बारे में बताएं। आज मैं आपको अपने जीवन के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें बताऊंगा। मैं कुछ वो चीजें बताऊंगा जिसने मेरी लाइफ में ब्रेकडाउन से ब्रेक थ्रू दिया। जब मैं छोटा था, लगभग 2.5 साल का, दुर्भाग्यवश मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद मेरी माताजी का विवाह किसी और से हो गया। आज तक मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बातें अपने बारे में नहीं बोली, लेकिन आज आपको मैं शेयर करूंगा कि शुरुआती जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। ऐसा बच्चा जिसके माता पिता बचपन में ही चले गए हों, स्वाभाविक है उसके जीवन में बहुत संघर्ष रहे होंगे। तो आज बहुत ज्यादा संघर्ष की बात नहीं करूंगा, पर यह बताऊंगा जैसे कि कृष्ण बताते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति ते। कृष्ण कहते हैं मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। एक बार ग्रेजुएशन के दौरान जब मैं एमबीए कर रहा था, मुझे मेरे कुछ मेंटर्स, गाइड और स्पिरिचुअल मास्टर्स मिले जिन्होंने मुझे भगवत गीता का ज्ञान दिया, जिनसे मैंने ट्रेनिंग लिया और उसी को मैं आज उन्हीं के आदेश पे मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री पे आया। उन्हीं की गाइडेंस में आज मैं पूरी दुनिया भर में प्रोग्राम्स कर रहा हूं इन्हीं भगवत गीता के माध्यम से। कई बार मैं भगवत गीता का नाम लेता हूं, कई बार नहीं लेता, लेकिन प्रिंसिपल सारे मैंने वहीं से सीखे। बेसिक है ये, मानसिकता का बेसिक है। यहां से बेसिक अगर फंडामेंटल ठीक हो गए तो हायर एलजेब्रा, कैलकुलस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैथमेटिक्स 11th 12th का तभी मजबूत होता है जब आपके बेसिक ठीक होते हैं। मुझे किसी ने वृंदावन में भगवत गीता दी और यह भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, यह वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हुआ। भगवत गीता यथारूप, जिसको कहते हैं भगवत गीता एज इट इज, मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं, लाइव आपके सामने खोल रहा हूं। इसको बोलते हैं भगवत गीता एज इट इज, जो कि एसी भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद ने दी। ये भगवत गीता मुझे किसी ने गिफ्ट करी थी। कॉलेज के दौरान मैंने एजुकेशन लोन लेके अपनी पढ़ाई जब मैं कर रहा था, उसी दौरान मैंने भगवत गीता को पढ़ना शुरू किया। भगवत गीता कोई एक धार्मिक किताब नहीं है, भगवत गीता ना राजनीतिक किताब है ना धार्मिक किताब है। आज का वीडियो भी राजनीतिक और धार्मिक नहीं होगा। जैसे कि आपने विवेक सर की सक्सेस के बारे में सुना, तो चलो अब उनकी एक पुरानी वीडियो भी देख लेते हैं। डोंट पिक अप एवरी बैटल दैट कम्स ऑन योर वे, चूज योर बैटल जुडिशियसली। Never fight with a pig. You will get dirty and he will enjoy it. Hi. Today we are going to discuss on a new subject. और आज का हमारा विषय है how to be a star performer in difficult times. You want to be a star performer and not just you, everybody on this planet Earth wants to be a star performer. Our performance should go up. Now the topic is, performance should go up not only in good times. I want to train you on the subject, performance should go up not only in good times but even in most challenging times. अब हम बात करने वाले हैं तीसरे सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा के बारे में, जिनके यूट्यूब पर 1 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये अब तक 327 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और इन्होंने यूट्यूब को 27 अक्टूबर 2006 में ज्वाइन किया था, जो कि यूट्यूब के ओपन होने की 1 साल बाद है। तो चलिए सुनते हैं सोनू सर की कुछ पुरानी वीडियो और कुछ नई वीडियो एक साथ। अभी आपको मना नहीं करेंगे और अगले दिन खत्म। अगले दिन ये होता है कि 100 में से 20 लोग कन्वर्ट हो जाते हैं और 80 लोग कन्वर्ट नहीं हो। तो उसका जो सबसे बड़ा रूट कॉज है, सबसे बड़ा जो कारण है उसका, वो एक है कि हम लोग फॉलो या तो करते नहीं है या प्रॉपरली नहीं करते। या तो आप फॉलो करते नहीं है या वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। फॉलो बोलते किसको है, समझिए पहले इस बात को। फॉलो इसको बोला जाता है कि जब आपने किसी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दिखाया तो अगले 24 घंटे के अंदर, 20 घंटे के अंदर, 16 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल